हरे कृष्णा दीदी। सो आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी हमारी बहुत प्यारी कृष्णा बुक से, एंड ये स्टोरी है वर्ल्डविंड के बारे में। किसके बारे में? वर्ल्डविंड। दीदी वर्ल्डविंड का मतलब? बेटा वर्ल्डविंड इज अ काइंड ऑफ साइक्लोन। वर्ल्डविंड एक टाइप ऑफ साइक्लोन है। मैं जानता हूँ साइक्लोन का मतलब क्या है। अच्छा बताओ। एक बार मैंने अपने दोस्त से पूछा था साइक्लोन का मतलब क्या है, उसने बोला कि जब साइकिल पे लोन मिलता है ना उसे साइक्लोन कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट साइक्लोन। बेटा साइक्लोन एक जब समुद्र में हवा का जोर से झोंका आता है, वो बिल्कुल वर्ल एक फनल जैसा होता है, वो बिल्कुल एक सर्कुलर फॉर्मेट में होता है जो कि घूम घूम के आता है। या तो वो समुद्र में आ सकता है, सी में आ सकता है, या फिर वो लैंड पे आता है विद डस्ट एंड स्ट्रोम। किसके साथ में आता है? डस्ट एंड स्ट्रोम। विद डस्ट एंड स्ट्रोम। Now what do you mean by dust and storm? अपनी जो धूल मिट्टी होती है, आपने कई बार रस्तों पर भी देखा होगा, जैसे कि जो डेजर्ट प्लेसेस वगैरह आते हैं ना, वहां पर बहुत जोर से हवा का झोंका आता है और उस हवा के झोंके में ये वर्लविंड आता है। क्या आता है? वर्लविंड। तो भगवान कृष्ण से बहुत लोग बहुत प्रेम किया करते थे, बट भगवान कृष्ण का एक सबसे प्रिय दुश्मन था। कौन थे वो? कंस मामा। वेरी गुड। अब भगवान ने पूतना का तो वध कर दिया था, काफी दिन जा चुके थे। अब छोटे से कृष्णा बड़े हो चुके थे। पहले वो सिर्फ अपनी पीठ पे लेटा करते थे, अब उन्होंने अपने हाथ के सपोर्ट के साथ टर्न होना भी स्टार्ट किया था। तब तक मैया यशोदा और नंद बाबा ने बहुत बड़े उत्सव का सेलिब्रेशन किया, बिकॉज कृष्ण ऑलमोस्ट बड़े हो चुके थे, जिसे हम कहते हैं उस उत्सव का नाम है जन्माष्टमी। क्या कहते हैं? जन्माष्टमी। और हमारे देश भारत में व्यक्ति कोई भी धर्म का क्यों ना हो, सभी लोग जन्माष्टमी बड़े ही प्रेम से सेलिब्रेट करते हैं। तो यशोदा मैया ने जैसे देखा कि हमारा कान्हा बड़ा हो गया है, पूरे के पूरे व्रज को निमंत्रण दिया गया। उन्होंने कई सारे ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने गायों को सजाया। सिर्फ गायों को सजाया ही नहीं, अच्छे से उनको हीरे जवाहरात मोती से डेकोरेट किया, ताकि जब ब्राह्मण आएंगे तो उनको दान के रूप में हम ये सारी की सारी गाय भेंट करेंगे। अब वो गई, उन्होंने अच्छे से कृष्ण को नहलाया था। किससे नहलाया था? पानी से। यस, हम पानी से नहाते हैं, पर भगवान को नहलाया गया था दूध से, दूध, दही से, मक्खन से, हनी एंड वाटर। ये पंच महाभूत होते हैं जिनसे कि भगवान का अभिषेक किया जाता है। क्या किया जाता है? भगवान का अभिषेक। इसीलिए आज भी जब हम मंदिर जाते हैं जन्माष्टमी के दिन पे, जो लाला होते हैं, छोटे से भगवान का रूप होता है, या जो हमारे मंदिर पे डेटीज होते हैं, हम आज भी उनका अभिषेक करते हैं। तो यशोदा मैया ने बड़े ही प्रेम से अपने छोटे से लाला का अभिषेक किया। सारी गोपियाँ भी उनके साथ में थी। यशोदा मैया भी बहुत अच्छे से तैयार हो गई, खूब अच्छे से सज धज के वो छोटे से कान्हा को लेकर सारे के सारे ब्राह्मणों के पास आकर बैठ गई। ब्राह्मण तभी वेदों से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यशोदा मैया कान्हा को अपने गोद में लेकर बैठी हुई थी। धीरे धीरे कुछ समय के बाद में उन्होंने नोटिस किया कि मेरा लाला सो गया है। तो लाला के सोने के बाद उन्होंने लाला को उठाया, बेड पे रखा और सारे के सारे मेहमानों को वो बातचीत करने चली गई। अब घर में इतने मेहमान थे, फेस्टिवल था, इसीलिए वो भूल ही गई अपने छोटे से लाला को दूध पिलाने के लिए। अब क्या हुआ, लाला सो रहा था, थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी, वो रोने लगा। पर घर में इतने सारे मेहमान थे, किसी को भी लाला के रोने की आवाज ही नहीं आई। तो यहाँ पर कृष्ण को बहुत गुस्सा आया, बोला एक तो मेरा जन्मदिन, मुझे ही भूख लग रही है, मैया सारे के सारे मेहमानों में बिजी हो गई है, मुझे तो पूछ ही नहीं रही है। तो छोटे बच्चों को देखा ना, वो लोग कैसे पैर ऊपर कर करके मस्ती करने लगते, रोने लगते हैं, वैसे ही कृष्ण ने भी अपना पैर ऊपर किया और पैर ऊपर करके जोर जोर से पटकने लगे। अब जहाँ पर वो सो रहे थे ना,
उसके ऊपर एक काट था, हाथ गाड़ी जिसे हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हाथ गाड़ी, काट, वो रखा हुआ था। गलती से भगवान का पैर उस काट पे लग गया और धड़ाम से पूरा का पूरा काट नीचे गिर गया। उसमें हाँ, उसमें जो व्हील लगा था वो टूट गया। उस काट के ऊपर वेसल्स रखे थे वो भी गिर गए। और जब जोर से आवाज आई तो सभी घर के लोग भाग के बोला, क्या हुआ क्या हुआ, आवाज कहाँ से आई? तो देखा उस टूटे हुए काट के नीचे छोटा सा लाला रो रहा था। ये सब देख के सब लोग घबरा गए, क्या हो गया यहाँ पर, ये अचानक से काट कैसे टूट गया? तो सारे व्रजवासी बोलने लगे, शायद से बहुत भारी हो गया होगा ये हाथ गाड़ी इसीलिए टूट गया। फिर कोई बोलता है कि नहीं, पीछे से किसी ने धक्का दिया होगा इसीलिए टूट गया। बट कुछ बच्चे थे जो सोते हुए कृष्ण के साथ में खेल रहे थे, तो उन छोटे बच्चों ने बताया कि नहीं, ये तो कृष्ण रोने लगा तो रोते रोते इसका एक पैर ऊपर लगा और पैर ऊपर लगने से ये पूरा का पूरा हाथ गाड़ी टूट गया। पर सब लोग बोलने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो छोटा सा बालक है, आज तो हम उसका फर्स्ट बर्थडे मना रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे, इसके पैर लगने से कैसे ये काट टूट सकता है? क्या ये टूट सकता है काट? परंतु सभी लोग भूल गए थे कि ये वही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है जो कि एक छोटे से बालक के रूप में अवतारित हुए है। कौन है ये? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, बोलो, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जो अपनी इच्छा से यहाँ पर एक छोटे से बालक के रूप में आए थे। पर यशोदा मैया जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरा लाला रो रहा है, वो तुरंत भाग के गई और तुरंत भाग के उन्होंने इमीडिएटली लाला को उठाया और उसे शांत करना स्टार्ट किया। नंद बाबा आए और उनकी नजर उतारी अपने बेटे की, उन्होंने तुरंत कहा कि हमारा लाला बच गया, अच्छा हुआ इसे कुछ भी लगी नहीं है, और तुरंत ब्राह्मणों के पास लेकर गए और ब्राह्मणों ने अच्छे से सारे के सारे मंत्रों का उच्चारण करके भगवान कृष्ण को शांत कर दिया था। अब क्या हुआ, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। जैसे ही ये लीला हो चुकी थी जहाँ पर भगवान ने अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए मैया यशोदा को बुलाने के लिए उन्होंने ये हाथ गाड़ी को तोड़ा था, उसके कुछ ही दिनों बाद एक दिन आंगन में बैठकर मैया यशोदा कृष्ण को दूध पिला पिला के सुलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही मिनटों में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भगवान बहुत भारी हो गए है। तो यशोदा मैया ने जैसे ही देखा कि वो बहुत भारी हो गए हैं, तो मैया ने उठाया कान्हा को और थोड़ी सी देर पे उन्होंने उसे पालने में रखा और अंदर काम करने चली गई। जैसे ही वो काम करने अंदर चली गई, इतने में उन्होंने अंदर से खिड़की से देखा कि बाहर बहुत तूफान आ रहा है, बहुत हवा वगैरह चल रही है। एक्चुअली इस समय पर कंस मामा ने अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली सर्वेंट भेजा था जिसका नाम था त्रिनावत। क्या नाम था? त्रिनावत। ये जो त्रिनावत आया था ये एक वर्लविंड के रूप में आया था। किसके रूप में आया था? वर्लविंड। वर्लविंड के जैसे ही रूप में आया, सभी लोगों को तूफान आ रहा है इस तरह से लगा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैया यशोदा अंदर का सारा काम करके आने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक से पूरा बादल, सभी चीजें एकदम डार्क हो गया था, सब अंधेरा अंधेरा हो गया था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इतने में थोड़ी सी देर के बाद जब सब कुछ दिखा, यशोदा मैया बाहर आई और आंगन में ढूंढ रही है कान्हा कहाँ है, कहाँ गया कान्हा, देखती गई पर कान्हा तो उन्हें दिखा ही नहीं। कहाँ गए थे कान्हा? कहाँ गए थे? वो जो वर्लविंड में कौन सा राक्षस आया था? त्रिनावत। वेरी गुड। त्रिनावत आकर इस वर्ल्ड विंड के रूप में भगवान को उठाकर अपने कंधे में बिठाकर लेकर भाग गया। किधर भागा? सीधा आसमान में चला गया था वो, और आसमान में ले गया था ताकि कोई भी इस राक्षस को देख नहीं पाए। बिकॉज जब वर्ल्ड विंड आया था ऐसा, तो सबकी आंखों में धूल चली गई थी, किसी को भी बाहर आंगन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और त्रिनावत बहुत खुश हो गया, बोला, आज तो इस छोटे से बच्चे को मैं मार कर ही रहूंगा, ये बच ही नहीं सकता है। जैसे ही वो ऊपर जाता गया, कुछ समय बाद त्रिनावत को महसूस हुआ कि ये छोटा सा बालक जो हमारा लाला था कृष्णा,
वो बहुत हैवी हो गया और हैवी हो गया और हैवी हो गया और ये त्रिनावत ऊपर जा ही नहीं पाया। जैसे ही ये सब चीजें होने लगी, कुछ पलों बाद वो उधर ही अटक गया, त्रिनावत वहीं पर अटक गया था और वो नीचे आने लगा। पर तभी कृष्ण ने त्रिनावत का गला पकड़ लिया। सोचो, जमीन से हजारों फीट ऊपर थे, वहां पर छोटा सा बालक था, उसने राक्षस का गला पकड़ लिया। त्रिनावत अब पूरी तरह से छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, छोड़ दे मुझे। कृष्णा ने कहा, तू ही मुझे ऊपर लाया था ना, अब ले बेटा, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसे ऐसे छोड़ता नहीं हूँ। और कृष्ण ने उसका गला टाइट पकड़ के रखा। जैसे ही कृष्ण और जोर से पकड़ते गए, त्रिनावत की सांसें अटकती गई और टाइट करते गए, उसकी सांसें और अटकती गई और ज्यादा अटकती गई, और फाइनली वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, इतना हद तक कि उसकी जो आंखें थी ना वो बटन की तरह बाहर आ गई, और इतना ही नहीं वो आके जमीन पर जोर से गिर गया। और कृष्ण को कंधे में क्या हुआ? कुछ नहीं, जैसे पूतना के ऊपर भगवान कृष्ण खेल रहे थे, वैसे ही त्रिनावत के शरीर के ऊपर भी भगवान कृष्ण बड़े प्यार से खेल रहे थे। जब त्रिनावत नीचे गिरा ना, तो एक पत्थर का टुकड़ा था, बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा था, वो उससे टकराया, जिसकी वजह से उसके शरीर चूर चूर हो गया था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और सारे व्रजवासी वहां पर भाग के आए, देखा तो इतने बड़े से राक्षस के ऊपर कौन खेल रहा है? कृष्ण भगवान, छोटा सा लाला कृष्णा उसके ऊपर बड़े हंस के खेल रहा है। यशोदा मैया ने जैसे ही ये सीन देखा, वो तो वहीं पर बेहोश होके गिर गई। बोला, पता नहीं मेरे लाला के साथ ये क्या हो रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ मुसीबतें आती रहती है, जैसे एक गाय को उसका बछड़ा ना दिखे तो वो कैसे दुखी होकर मूर्छित हो जाती है, यानी कि चक्कर खा के गिर जाती है, उसी तरह से यशोदा मैया पूरी तरह से गिर गई और रोने लगी। तभी सभी गाँव वाले गए, गाँव वाले जाकर वहां से लाला को उठा के लाए, और जैसे ही लाला की रोने की ही करके हंसने की आवाज सुनाई दी, तुरंत यशोदा मैया होश में आई, लाला को गोद में लिया और बहुत प्यार करने लगी, और तुरंत अंदर लेकर रूम में चली गई, अपने महल में लेकर चली गई। तुरंत नंद बाबा आए, वो अपने साथ में ब्राह्मणों को बुला कर लाए, और उन्होंने तुरंत ही पूजा पाठ करवाना स्टार्ट किया, ये कहना स्टार्ट किया कि पता नहीं हमारे कौन से ऐसे पाप है जिसकी वजह से हमारे लाला के ऊपर मुसीबत आ रही है। पर तभी यशोदा मैया ने कहा कि जरूर हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी हमारा कृष्णा, हमारा लाला जो मर सकता था, वो इस तरीके से खेलते हुए वापस आ गए हैं। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, क्योंकि कृष्ण हमारे क्या है, सुपर हीरो। क्या है कृष्ण हमारे? सुपर हीरो। और आप देख सकते हो, जब से वो छोटे से थे तब से उन्होंने एक से बढ़कर एक राक्षस को मारा है। क्या स्पाइडरमैन ऐसा कर सकता है? बेटा, स्पाइडरमैन की मूवी में स्पाइडरमैन ही चेंज हो जाता है, वो तो कॉस्ट्यूम पहन के करते हैं, बट रियल सुपर हीरो कौन है? कृष्ण भगवान, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ऐसे ऐसे रियल बड़े से बड़े राक्षसों को मारा है। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नेक्स्ट स्टोरीज टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।